नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। और आइए आज के तमाम बड़े खबरों पर नजर डालते हैं। बारिश ने मचाया फसलों तथा किसानों पर अपना कहर। जी हां, रुड़की में बारिश का कड़ा रुख लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बेमौसम हो रही बारिश से लोगों के रोजमर्रा के कार्यों पर प्रभाव पड़ने के साथ साथ किसानों पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। किसानों की माने तो उनके सारे कामकाज ठप हो चुके हैं। गन्ने की अगेती बुआई नहीं हो पा रही है। गेहूं की फसल गिरकर सड़ने की कगार पर है। गेहूं, मसूरी, सरसों आदि की फसलें लगभग तैयार हो चुकी हैं, लेकिन बेमौसम हुई इस बारिश ने सभी फसलों की हालत खराब कर दी है। खेतों में पानी भर चुका है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो किसानों को इसका भारी खामियाजा उठाना पड़ रहा है। सोनू की माने तो बेमौसम हुई इस बारिश ने चिंता बढ़ा दी है और अगर फसलें समय से नहीं बुआई गई तो इसके पैदावार पर काफी प्रभाव पड़ेगा, जिससे किसानों के घर में रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो जाएगा। बेमौसम हो रही बारिश ने किसानों की जान गले में अटका कर रख दी है। रुड़की क्षेत्र में व आसपास के किसान इस समय हुई बारिश को देखकर काफी परेशान हो रहे हैं और चिंताएं उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही हैं। कुछ किसानों का कहना है कि सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। सरकार कह रही है कि बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा किसानों को मिलेगा, किंतु अभी तक कोई भी अधिकारी जांच के लिए नहीं आया और न ही कोई मुआवजा मिल पाया। अब किसान आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गया है। हरिद्वार के रुड़की से हमारे संवाददाता कुमार सेन सागर की रिपोर्ट। जैसे ये मकी बोई थी, इसमें कुछ नहीं जम पाया। तीन चार दिन से बारिश हो रही है लगातार। यहाँ ओलावृष्टि से, तूफान से काफी नुकसान है फसलों को। गेहूं का भी नाश हो गया। इस बारे में सरकार कुछ नहीं समझ पा रही अब तक ना। पर यहाँ पर कोई अधिकारियों को कई फेरी कह चुके, ना यहाँ पर कोई आया देखने के लिए। ठीक है भाई, ये मक्के का खेत है, इसमें एक भी दाना नहीं जम पाया। तीन चार दिन से लगातार ओलावृष्टि और बारिश से नुकसान है काफ़ी। क्या नाम ले रहे इसमें, पता नहीं कैसे कैसे बोई थी, ब्याज पे पैसा लेकर बोया था। सरकार कह रही है लगातार से काड़गा हम कुछ मोजा देंगे, 2000 रुपये, 1000 रुपये भी नहीं दे पाई सरकार। इसमें काफ़ी नुकसान देखे भाई, यहाँ पर एक भी दाना नहीं जमा खेत में। चार दिन से लगातार इतनी बारिश है, बहुत काफ़ी ज़्यादा ओलावृष्टि से बहुत ज़्यादा हो रही। आज मौसम खुला थोड़ा सा, थोड़ा वड़ा पड़ा, बारिश बहुत ज़्यादा, गेहूँ का नुकसान है बहुत ज़्यादा। जमीन घास की गिर गई बहुत, डंगर का चारा गिर गया। और सरकार कहती है मुआवजा मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलना कतई भी। ओड़ा पड़ा थोड़ा हड़का, ये कर्जा लेकर किसानों ने खेती में लगा था। सरकार ने कहा था कि कर्जा हम देंगे, वो भी कर्जा अभी नहीं मिला। कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान है गेहूँ में। जी ताऊ जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद वसी जी। क्या क्या है, जैसे चार दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है, उससे आपको कितनी नुकसान उठाना पड़ा? चार दिनों से क्या, 8-10 दिन से बारिश लगातार हो रही है। नुकसान तो इतना जी, एक भी सारे गिरे पटेर के होगा, नाश होगा। तो इसमें सरकार जैसे मुआवजा का नाम कह रही है जी? सरकार को ही को नहीं देती, नहीं सरकार। जब पिछली बार 2000 रुपये का मुआवजा बताया गया था कि किसानों को दिया जा रहा, किसी को मिला था जी 1000 रुपये, किसी को नहीं मिले थे, बहुत को नहीं मिले थे, हमें मिले ही नहीं थे। अब लोग तो दे नहीं देगा, देखो लोग बाग बटले होंगे तो देंगे फिर। ठीक है। नहीं कुछ नहीं दिया जी, बिल्कुल भी कोई बात नहीं। देख लो ये खा खड़े हैं, तमाम सारे पड़े हुए और बारिश बहुत बेतुकी हुई, नुकसान ही नुकसान हुआ जी, सब कुछ नुकसान बेतुका। तो मुआवजा वगैरह सरकार की ओर से कोई नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला जी, हमें तो कुछ नहीं मिला। भला तो हमें तो नहीं दे रही कुछ भी, अगर मतलब हमें दे दे तो फिर हमें क्या दिक्कत हो। हाँ जी, नहीं अब ये देख लेते, हमें एक ही पड़ा है सारा हमारा, एक बोरू एक हो या सारा नहीं पड़ा नीचे ही, देख लो क्या गुजर रहा आलम। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है और मैं स्ट्रॉबेरी की खेती करता हूँ। 8-10 साल से खेती हो रही है स्ट्रॉबेरी की, तो हर साल की उससे इस बार नुकसान ज़्यादा है। बारिश के कारण, बार बार बारिश के कारण हर बार नुकसान हो रहा है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि भाई सरकार कहती है कि हम क्या मुआवजा मिल रहा है, हमें तो कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसका परेशान है, बहुत पैसा लगाया हुआ है, ब्याज पे लेकर पैसा लगाया हुआ है और परेशानियां एक के बाद एक खड़ी हो रही हैं। बारिश से इतना नुकसान है कि घर बार बेचने की नौबत आ गई, इतना हाल ख़राब है, नुकसान की भरपाई होगी। देखो मेरी सरकार से ये अपील है कि भाई देखो मैं परेशान हूँ बहुत, और 10 लाख का इसमें नुकसान हो चुका, हमने बहुत बड़ा काम किया हुआ है, हमारा 10 लाख का नुकसान है। तो कुछ मुआवजा थोड़ा हमें सरकार से मिल जाए तो हमें थोड़ी राहत मिल जाएगी।
सरकार से ये अपील है कि हमारी तरफ को ध्यान दे बस। अंधे को भी नहीं छोड़ी दीदारगंज की पुलिस, जमकर की पिटाई। जी हाँ, बात कर रहे हैं आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बन गांव में सादे कपड़े में पुलिस द्वारा प्राइवेट गाड़ी से जाकर कंगेस्टर में पाबंद के होने की सूचना पर पुलिस द्वारा एक युवक से पूछताछ के दौरान ग्रामीणों द्वारा बदमाश होने की सूचना पर गांववासी पहुंच गए और पुलिस वालों से उलझ गए, जिसमें पुलिस वाले घायल हो गए। उस प्रकरण में गांव के ही 6 लोग नामजद हैं, जहां 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हो गए हैं। वहीं 6 नामजद लोगों की तलाश में पुलिस गांव में पहुंचकर उनके घरों में तलाशी ले रही है। गांव वालों का कहना है कि पुलिस द्वारा पूरी तरह से तांडव किया जा रहा है, यहां तक कि गांव के आंखों से अंधा झिनकू पुत्र स्वर्गीय फिरतू को भी पुलिस ने नहीं छोड़ा, उनकी पिटाई कर दी और खाना फेंक दिया। गांव लोगों का कहना है कि कुर्सियां तोड़ डाली गई, टीवी डिस्क को तोड़ दिया गया। वहीं गांव वासियों द्वारा लिखित शिकायत पर पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगाई है। गुहार लगाने वालों में झिनकू पुत्र फिरतू, चंद्रकला पत्नी रामचंद्र, गीता पत्नी मुन्ना, किंतराज पत्नी फिरतू, उत्तराजी पत्नी स्वर्गीय इंद्रजीत सहित अन्य लोगों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत कर गुहार लगाई है। आजमगढ़ के दीदारगंज से हमारे संवाददाता प्रवीण यादव की रिपोर्ट। नाम है आपका? झिनकू। झिनकू क्या, आगे बताइए। झिनकू राजभर। कहाँ घर पड़ता है आपका? ग्राम बनगांव। थाना कौन सा है? थाना दीदारगंज। अच्छा, क्या मामला है? मामला यही था कि मतलब मैं खाना नहा के खाना खा रहा था। अच्छा, इतने में पुलिस आ गई। कब खाना खा रहे थे? 10:15 बजे। 10:30 बजे। कब? सुबह। आज नहीं, कल। कल 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 मैं खाना खा रहा था नहा धो के, तो पुलिस आई। उसके बाद मेरे से कुछ नहीं पूछना उछना, खाली मेरा नाम पूछे। मैंने कहा मेरा नाम भाई झिनकू है और मैं इसी घर का हूँ। कहा तुम्हारा भाई मतलब कहाँ है? हम कहा जी मेरे भाई से मेरे से मतलब नहीं है, मैं मंदिर में रहता हूँ, मंदिर उंदिर की पूजा करता हूँ और यही सब मेरे काम जीवन में है भाई, मैं और कुछ नहीं जानता। उसके बाद उन्होंने मतलब 2-3 लात मारा। कौन कौन मारे? यशो। यशो कौन? धर्मेंद्र कुमार सिंह, दीदारगंज। दीदारगंज जी, वो मारे। उसके बाद भाई मैंने कहा उनको हाथ धोने दो, हाथ भी नहीं धोने दिए। मैं जबरदस्ती भाग कर आया, हाथ धोया, नलकी पे खाना पीना सब छीट दिए पूरा मेरा जो है, खाने भी नहीं दिए हमको। उसके बाद जो है फिर जितनी पुलिस थी मतलब दो थपरा सारी पुलिस ने मारा हमको। अच्छा, आपको आँख से तो दिखता नहीं है? नहीं। आप बताइए अपने बारे में जैसे कि आप। हाँ भाई, मैं तो भाई मेरे आँख से नहीं लोग दिखता है, मैं तो ये तो सभी लोगों को मालूम है जी। और दोनों आँख से नहीं दिखता? आँख से नहीं दिखता है। अच्छा, सत्य बात है जी। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस आपके साथ अनर्गल की? हाँ, इसके बाद भी मतलब पुलिस जो है अनर्गल कर रही है हमारे साथ जी। मैंने कहा भी था उससे कि भैया रुको, हम खाना खा ले रहे हैं, उसके बाद हमसे जो पूछिएगा पूछ लीजिएगा, लेकिन उसने नहीं खाना खाने दिया, थाली उठा कर फेंक दिया। मारे पीटे आपको? खूब मारे पीटे और थाली उठा के फेंक दिए। इसके बाद और क्या किए वो लोग? और भैंस को भी मार दिए, भैंस को भी मारे जा करके 2 लाठी 2 डंडा। उसके बाद सामान सब तोड़ फोड़ डाले, बल्ब फोड़ दिए, टीवी फोड़ दिए, मतलब तमाम सामानें थी घर में वो सब फोड़ दिए। ये मामला किस लिए ऐसा हो रहा है? ये मामला वही पुलिस की वजह से हो रहा था, जिस पुलिस को मतलब रखा गया, मतलब क्या है पुलिस आई थी शादी वर्दी में जी, उसी की वजह से मामला, जो पुलिस से मारपीट हुई। हाँ, मारपीट हुई थी, उसी की कार्रवाई। लाखों का हुआ नुकसान। जी हाँ, लखीमपुर खीरी के निघासन में घर में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। जी हाँ, कोतवाली निघासन के ग्राम पंचायत चखरा के ग्राम जगनपुरवा का मामला है, जहां बीती रात पड़ोसी के घर में लगी आग को बुझाने राम लोटन गए, तभी अचानक राम लोटन के घर में लगी आग ने 7 घरों को जलाकर राख कर दिया, जहां लाखों का नुकसान। पीड़ित राम लोटन ने बताया कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो हमने पहन रखे कपड़े यही बचे हैं, डहरिया में जो अनाज रखा था वो भी नहीं बचा है, बिस्तर चारपाई सब जलकर राख हो गया है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता विनय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।
थे कि आग लगी थी उनके जो है, हाँ उसी के यहाँ से बुझाने हम लोग गए और वहाँ उनका बुझाते रहे, लेकिन हमारा पहले जलने लगा। कैसे आग लगी थी? वो बांके लाल एक भार्गव है, हाँ वहाँ से लगी। अच्छा, ये किस चीज़ लगी जानकारी इसका नहीं क्या? जानकारी तो कोई नहीं मिली, लेकिन जानकारी ये है कि पड़ोसी घर जला पहले से हमारे यहाँ लग गई। अच्छा अच्छा, कितने घर थे आपके? तीन थे। तीन घर, कुछ बचा पाएगी? नहीं बचा कुछ नहीं बचा। कौन सा गाँव है ये? ये जगन प्रवाह चखरा। पंचायत? तहसील? यहाँ। अच्छा, नुकसान कितना हो गया होगा लगभग? कम से कम 2-3 लाख का नगद 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 नगद। और सामान? सामान वामान सब मिला कर दिए। अच्छा अच्छा, तुम्हारा भी घर जला भाई? जी। क्या नाम है? राम किशोर नाम। अच्छा, क्या हुआ, कैसे आग लगी थी ये? ये सर पड़ोस के बांकेलान के यहाँ से आग लगी थी सर। हाँ, घर कितने जले होंगे लगभग? घर सर 6 घर जले हैं। 6 घर, लगभग कितना नुकसान हो गया होगा? लगभग मैं 6-7 लाख का है सर नुकसान हो गया। जी। अच्छा, क्या अधिकारी यहाँ कोई आए थे जांच के लिए? जी सर, हाँ। अच्छा सर, वो आग बुझाने वाले। फायर ब्रिगेड? जी, फायर ब्रिगेड आई थी। जी, शाम को ही? जी। फिर उसके बाद सर लेखपाल आए हैं बाद में। लेखपाल साहब क्या बता गए? लिख कर ले गए। जी। अच्छा, कौन सा गाँव है? जगनपुरा चखरा। तहसील? निघासा। जिला? लखीमपुर खीरी। ठीक, निर्देश पर अतिक्रमण और बुलडोजर चलना शुरू हो गया। जी हां, औरंगाबाद जिले के ऐतिहासिक सूर्य नगरी देव में आज छठ पर्व से पहले जिला प्रशासन के निर्देश पर अतिक्रमण और बुलडोजर चलाना शुरू हो गया। औरंगाबाद अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी देव अनिल कुमार सिन्हा, अंचलाधिकारी अरुण कुमार गुप्ता, पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद निहाल अहमद खां, थानाध्यक्ष शेखर सौरभ, SI अशोक कुमार राय, ASI युगल किशोर राय, BCO सह मजिस्ट्रेट वीरेंद्र सिंह, PO सह मजिस्ट्रेट देवेंद्र सिंह भारी संख्या में महिला एवं पुरुष बल के साथ मौके पर मौजूद है। देव मेला में बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज जिला प्रशासन के नेतृत्व में राजा जगन्नाथ उच्च विद्यालय स्थित मुख्य द्वार से अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। वहीं अतिक्रमण हटाए जाने की सूचना पर आसपास के सैकड़ों स्थानीय लोग उपस्थित थे। मुख्य सड़क पर जाम की स्थिति नहीं हो इसलिए यातायात को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए मुख्य मार्ग पर भी पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी की तैनाती की गई। बताते चले कि आज से लगातार देव में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता रहेगा। बिहार के औरंगाबाद से हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पड़ोसी के यहाँ आग लगी थी उनके जो है, हाँ उसी के यहाँ से बुझाने हम लोग गए और वहाँ उनका बुझाते रहे, लेकिन हमारा पहले जलने लगा। कैसे आग लगी थी? वो बांके लाल एक भार्गव है, हाँ वहाँ से लगी। अच्छा, ये किस चीज़ लगी जानकारी इसका नहीं क्या? जानकारी तो कोई नहीं मिली, लेकिन जानकारी ये है कि पड़ोसी घर जला पहले से हमारे यहाँ लग गई। अच्छा अच्छा, कितने घर थे आपके? तीन थे। तीन घर, कुछ बचा पाएगी? नहीं बचा कुछ नहीं बचा। कौन सा गाँव है ये? ये जगन प्रवाह चखरा। पंचायत? तहसील? यहाँ। अच्छा, नुकसान कितना हो गया होगा लगभग? कम से कम 2-3 लाख का नगद 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 नगद। और सामान? सामान वामान सब मिला कर दिए। अच्छा अच्छा, तुम्हारा भी घर जला भाई? जी। क्या नाम है? राम किशोर नाम। अच्छा, क्या हुआ, कैसे आग लगी थी ये? ये सर पड़ोस के बांकेलान के यहाँ से आग लगी थी सर। हाँ, घर कितने जले होंगे लगभग? घर सर 6 घर जले हैं। 6 घर, लगभग कितना नुकसान हो गया होगा? लगभग मैं 6-7 लाख का है सर नुकसान हो गया। जी। अच्छा, क्या अधिकारी यहाँ कोई आए थे जांच के लिए? जी सर, हाँ। अच्छा सर, वो आग बुझाने वाले। फायर ब्रिगेड? जी। फायर ब्रिगेड आई थी? जी। शाम को ही? जी। फिर उसके बाद सर लेखपाल आए हैं बाद में। लेखपाल साहब क्या बता गए? लिख कर ले गए। जी। अच्छा, कौन सा गाँव है? जगनपुरा चखरा। तहसील? निघासा। जिला? लखीमपुर खीरी। ठीक।
रहे हो कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है छठ पर्व को लेकर, क्या क्या हो रहा है? जो भी लोग अतिक्रमण किए हुए थे सभी लोगों को पत्र में नोटिस दिया जा चुका था। ये लोगों का घर या दुकान अतिक्रमण में पाया गया है, सभी लोगों को आरजीएससी के द्वारा हटाया जा रहा है। पहले जितने भी कानून में मिला है वो बाइकिंग साहब के द्वारा बढ़ा दिया गया है। आज लगभग 18 जो है अतिक्रमण किए हुए हैं, अतिक्रमण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जैसे भी लोगों का नाम सामने आया है जिनका अतिक्रमण में है, जिनको अभी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, वैसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। और उसके बाद उनका घर अतिक्रमण जाया जाएगा, उनका घर भी अच्छा तो बोला भी तैयारी कर रहा है। हाँ, उसको लेकर गदरपुर पुलिस ने फायरिंग के आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। जी हां, गदरपुर में पुलिस पर फायरिंग करने के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने बताया कि सकेनिया पुलिस चौकी इंचार्ज थाना तथा अन्य लोगों पर लकड़ी तस्करी की सूचना पर क्षेत्र में गई पुलिस पर कुछ लोगों ने फायर कर दिया था, जिसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर गदरपुर थाने में पुलिस की कई टीमें बनाई गई थी और आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें लगातार कार्य कर रही थी। इन लोगों को आज गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में जेल भेजा गया है और उन आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। उधम सिंह नगर के गदरपुर से हमारे संवाददाता अनूर अली की रिपोर्ट। राम कुमार पुत्र जागन नाम का एक व्यक्ति है जो नंदपुर का रहने वाला था, मदिरा पान और नशे का आदि था। अक्सर घर में भी जो है लड़ाई झगड़ा करना और घर से अनाज आदि बेचने की प्रवृत्ति थी उसकी। तो कल ग्रह क्लेश के चलते उसने जो है 2020 को हमारे चौकी प्रभारी सकेनिया प्रकाश बिश जी हैं, उनको मुखबिरी की सूचना मिली थी कुछ लोग जो है खैर के पेड़ों को काट करके जो है अवैध रूप से तस्करी कर रहे हैं। तो सूचना पे हमारे चौकी प्रभारी टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं। उनको 6 मोटरसाइकिलों पर खैर की लकड़ी लाते हुए दिखाई दे, जिनको रोकना चाहा तो उन्होंने जो है अचानक से पुलिस पार्टी में फायर कर दिया, जिसमें कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए थे और कुछ लोग वर्तमान में प्रकाश में आए हैं, जिसके तहत 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और घटना पर बंदूक बरामद की गई है। धारा 379/411 IPC और 26 फॉरेस्ट एक्ट, उसके साथ साथ 153 है और 186 है, 307 IPC है, इन धाराओं के अंदर मुकदमा पंजीकृत कर। घायल कोई नहीं हुआ है, ये बाइलक बचाव हो गया, घायल कोई नहीं हुआ है, इनके द्वारा जान से मारने का प्रयास किया गया। स्वाभाविक सी बात है कि हर आरोपी ये कहता है कि हमारे पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, तो माननीय न्यायालय का और विचारण का सब्जेक्ट है। ये थे अभी की कुछ खास खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।